नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल महागठबंधन को बढ़त, लेकिन क्या महागठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर होगा? बिहार में इस बार किसकी सरकार? अनलॉक में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत राहत नहीं, मजदूरी घटी, कर्ज बढ़ा। देश में पिछले 24 घंटों में 45,903 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 85.5 लाख के पार। एग्जिट पोल अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति पूर्वाग्रह दिखाते हैं। इसके बावजूद 7 नवंबर को जारी बिहार विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल विपक्षी गठबंधन यानी महागठबंधन को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसका मतलब यह है कि महागठबंधन एक ऐसी स्पष्ट जीत की तरफ बढ़ सकता है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा जदयू के 15 साल के शासनकाल का अंत कर देगा। जैसा कि बिहार से लगातार हो रही न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग से पता चलता है कि नीतीश कुमार की यह हार हैरत पैदा करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सर्वे का ऐसा कोई हिस्सा और ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसने राज्य की बदतर स्थिति पर असंतोष महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर के अंतिम चरण का मतदान शाम 6 बजे खत्म हुआ, वैसे ही सबसे पहले बहुत सारे एग्जिट पोल की एक झलक जारी हो गई। 243 सीटों के मतों की वास्तविक गिनती 10 नवंबर को होनी है। हालांकि 2015 की उस स्तब्ध कर देने वाली वाक्य को याद रखना जरूरी है। एक एग्जिट पोल छोड़कर जिसने प्रसारित नहीं किया था त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति या एनडीए और तत्कालीन उस मजबूत महागठबंधन के बीच को करीबी टक्कर की भविष्यवाणी की थी जो राजद जेडीयू और कांग्रेस से बना था। कुछ एग्जिट पोल ने तो एनडीए को आसानी से बहुमत भी दिया था। जब नतीजे सामने आए थे तो महागठबंधन को भारी जीत हासिल हुई और भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। एग्जिट पोल भी आ गए हैं और नतीजों का इंतजार चल रहा है जो मतगणना के बाद 10 नवंबर को घोषित होगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी या किसके पक्ष में हवा थी, विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। आइए सुनते हैं। हम बिहार के चुनाव पर ही आज अपनी बात फोकस करेंगे और मैं आपको ले चलता हूं बिहार के चुनाव के उस दौर में जो आखिरी चरण जिसे कहा जाता है। आखिरी चरण अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और आखिरी चरण का जो मतदान है उसमें कुल 78 सीटों पर मतदान आज हुआ था। ये 15 जिलों में पड़ती है। इन 78 सीटों में दो रीजन है जहां पर यह मतदान हुआ। एक का नाम है कोसी और दूसरे का नाम है सीमांचल। सीमांचल की सीटों में बड़ी बड़ी डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं कई सीटों पर उनकी संख्या काफी अधिक है। इसीलिए सीमांचल में इस बार एवाईएम भी पहले भी वो लड़े थे, इस बार भी कई सीटों पर लड़ रहे हैं और कोशिश उनकी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएं। हालांकि उनका यह कहना है कि हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर है हर पार्टी ऐसा करती है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी दूर से आकर के और सीमांचल में इतनी मेहनत जो एमआईएम कर रही है उसके पीछे वजह क्या है। अभी तक एमआईएम को इतने वर्षों की कोशिश के बाद सीमांचल में केवल एक सीट मिली थी किशनगंज की विधायक की, लेकिन लोकसभा में वो भी संभव नहीं हुआ। इस बार कोशी और सीमांचल इन दोनों रीजन्स को अगर आप देखें तो इस रीजन में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि क्या वो अपने अति पिछड़ा और महादलित वोटों को फिर से या जनाधार को फिर से अपने साथ जोड़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि पिछली दफा जब चुनाव हुआ था 2015 में असेंबली का तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी दोनों साथ थे और कांग्रेस भी उनके साथ थी। उस वक्त 78 सीटों में बहुत बड़ी मेजॉरिटी महागठबंधन को मिली थी और उसमें मैं आपको बताऊं कि 24 सीटें नीतीश जी की पार्टी को मिली थी, 20 सीटें आरजेडी को और 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें पाई थी, सीपीआईएमएल को एक सीट मिली थी और 4 सीटें अन्य लोगों को मिली थी, बीजेपी को 19 सीटें मिली थी
और 5 सीट पर अन्य जीते थे जिसमें एक सीपीआई एमएल। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चूंकि इक्वेशन बदल गया है और अति पिछड़ा और महादलित वोटों में महागठबंधन की पैठ भी बढ़ी है। दोस्तों मैं चुनाव के इस आखिरी चरण में कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि भविष्यवाणियों में मेरा यकीन भी नहीं है। जिन लोगों ने ओपिनियन पोल बहुत सारे दिखाए ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, आज वो लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हम आपको एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर, क्योंकि हमारा कहना है कि इंतजार 10 तक किया जाना चाहिए, लेकिन हम आज जरूर ये बताएंगे आपको बहुत संक्षेप में कि पहले चरण, दूसरे चरण और आज जो तीसरा चरण बीता है अभी अभी कुछ देर पहले, इसमें समीकरण किस तरह के हैं और ये चुनाव किधर जाता हुआ नजर आ रहा है। हर व्यक्ति के सामने, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये सवाल है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों पहले चरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि महागठबंधन की उसमें बढ़त हुई और ये बात दूसरे चरण तक भी काफी हद तक कायम है। लेकिन दूसरे चरण के बारे में एक मत विभाजन भी दिखाई दे रहा है। मत विभाजन यह है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ हलके सेकंड फेज की जो सीटें थी 94 उसमें कुछ हलकों में महागठबंधन को बढ़त मिली है, लेकिन कुछ एक जो सीटें हैं या कुछ एक जो क्षेत्र हैं वहां पर एनडीए ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। क्योंकि उस समय तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उन लोगों ने जो हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाया उससे थोड़ा बहुत पोलराइजेशन या थोड़ा बहुत वोटों की जुटान शायद हुई हो, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि उसी समय ये बात आई थी कि साहब यहाँ जय श्री राम नहीं कहने दिया जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई थी। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो एनडीए जो है महागठबंधन का के एजेंडे का पीछा करते हुए लगातार नौकरियों के बारे में बात करती थी, विकास के बारे में बात करती थी, ये कहती थी कि नीतीश कुमार के सुशासन को आगे रखना है। लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही जंगल राज, अब जय श्री राम, हमने मंदिर बना दिया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सामने आ गई। तो दूसरे चरण के बारे में एक कंफ्यूजन जरूर अभी तक है कि उसमें सबसे अधिक बढ़त किसकी है, लेकिन अभी तक जो जमीनी जो सच्चाई के आधार पर रिपोर्ट करने वाले बिहार के रिपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि वहां भी महागठबंधन को बढ़त है, चाहे वो मामूली हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। ये जरूर है कि पहले फेज की तरह शायद बढ़त उतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक तीसरे चरण का प्रश्न है, तीसरे चरण के बारे में बड़े पैमाने पर यह माना जा रहा है कि इसमें अगर महादलित और अति पिछड़े समाज में महागठबंधन की पोजीशन पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले के मुकाबले जो हम कहते हैं तो नीतीश कुमार और आरजेडी का जो गठबंधन है आज वो नहीं है, तो अगर आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और कांग्रेस, इन पार्टियों के गठबंधन ने अगर उत्पीड़ित समाज के ज्यादातर हिस्सों में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया तो निस्संदेह ये बाजी जो है महागठबंधन के हाथ आएगी। और वैसी स्थिति में माना जा सकता है कि चाहे जितने प्रयास किए गए हों लोगों को डिवाइड करने के, विभाजित करने के, लेकिन महागठबंधन शायद इस चुनावी दौड़ में आगे आ सकता है। एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर चलाए गए सर्वेक्षणों के आधार पर एक फैक्ट शीट जारी की गई, जिनमें से इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि श्रमिकों की जिंदगी में सुधार के मामलों में सरकार किस प्रकार से अक्षम साबित हुई है। यह विस्तृत रिपोर्ट इस संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चलाया गया और यह देश भर में किया गया था, जिसे शनिवार को जारी किया गया। दूसरे दौर के सर्वेक्षण को इस वर्ष के अगस्त और सितंबर माह में 23 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि अनलॉक 3.0 में, यानी महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लागू किया गया था उसके खुलने के बाद के दौरान चलाए गए में
402 जिलों में 16,900 से अधिक श्रमिकों के बीच में यह सर्वेक्षण हुआ। इस बातचीत में आजीविका और मजदूरी सहित बचत और खर्चों, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं एवं अन्य अधिकारों तक पहुंचने सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 9 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,903 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 490 मरीजों की मौत भी हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 48,405 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और अब कुल एक्टिव मामलों में 2,992 मामलों की कमी आई है। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 85,53,657 हो गई है, जिनमें से 1,26,611 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.06% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.56% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 79,17,373 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5.95% यानी 5,09,673 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 11,85,72,192 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 8,35,401 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। ये थे कोरोना अपडेट। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और देखिए हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद। Thank you.